चलते फिरते मैं आपको खुश कहता देता हूँ आज मैं मौजूद हूँ तूबा मस्जिद के पास इस मस्जिद को गोल मस्जिद भी कहा जाता है गोल मीनार वाली मस्जिद भी कहा जाता है इस मस्जिद की खासियत यह है इसका जो गुम्बद है वो इतना वसी है और बगैर पिलर बगैर सुतून के ये मस्जिद खड़ी हुई है इस जगह से जो भी गुजरने वाले लोग हैं उनकी निगाहें इस मस्जिद के ऊपर माइल हो जाती हैं और वो लोग अंदर आने पर मजबूर हो जाते हैं और इस मस्जिद के खूबसूरत तरीन डिज़ाइन को देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं इसकी खासियत ये है इसमें मुख्तलफ़ इकसाम के आ, संगे मरमर के पत्थर तो लगे हुए हैं लेकिन सत्तर हज़ार के करीब छोटे छोटे शीशे लगाए गए हैं जो कि मस्जिद के अंदर आने में जब आप मस्जिद के अंदर आते हैं तो आपको एक अलग दुनिया नज़र आती है आप कहते हैं कि शायद आप किसी कराची में नहीं पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी बैरुन ममालिक में नहीं बल्कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए क्योंकि मस्जिद तो मस्जिद है मस्जिद के अंदर जब आप आते हैं तो आपको एक अलग ही मंजर जो है वो देखने को मिलता है इस मस्जिद का डिज़ाइन इतने खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया है मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर ताकि आपको इस मस्जिद के बारे में पूरा बता सकूँ तो चलिए मेरे साथ इस मस्जिद के अंदर आने के बाद आपको एक अलग ही मंजर देखने को मिलता है साथ ही इसके जो है वो फुआरे लगे हुए हैं और बड़ी सी गुंबद जो है वो आपके सामने है वैसे तो इस मस्जिद का कुल रकबा जो है वो पाँच हज़ार पाँच सौ सत्तर मुबा गज़ है जबकि गुंबद के कतर के बारे में अगर बात करें तो दो सौ बारह फिट का ये कतर है जबकि गुंबद की अगर ऊँचाई के बारे में बात करें तो पाँच हज़ार एक सौ अड़तालीस फिट का ये गुंबद की इसकी ऊँचाई है गुंबद में जो लगाए गए शीशों की तादाद है वो कमो बेश सत्तर हज़ार के करीब हैं और इस मस्जिद के जब आप अंदर आते हैं तो आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है हरियाली देखने को मिलती है मुख्तलिफ़ इकसाम के यहाँ पर दरख्त जो है वो देखने को आपको नज़र आएंगे ग्रास आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा इस मस्जिद की जो खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं ग्रीनरी सबसे ज़्यादा इसकी इजाफा कर रहे हैं और इसकी जो गुंबद है वैसे तो मैंने आपको पहले भी कहा ना कि जी जो गुजरने वाले लोग हैं सड़कों से वो लोग इस गुंबद को देखकर उनकी निगाहें इसके ऊपर माइल हो जाती हैं और फिर वो लोग अंदर आने पर मजबूर होते हैं तो आइए मैं आपको मस्जिद के अंदर लेकर चलता हूँ और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं आइए मस्जिद से एंटर होते ही ये फुआारे आपको देखने को मिलते हैं और इसकी ख़ास बात यह है कि अभी इस वक्त गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है धूप पड़ रही है मगर आप यकीन जाने ये जो टाइल लगी हुई है ये इतनी ज़बरदस्त लगाई गई है कि जितनी ज़्यादा इसके ऊपर धूप पड़ेगी उतनी ज़्यादा ये टाइलें जो है वो ठंडी होगी मतलब धूप ज़्यादा पड़ेगी तो गर्म होनी चाहिए मगर ये उतनी ही ज़्यादा ठंडी होगी इस पत्थर की खासियत ये है तो आइए ये पूरा वज़ु ख़ाना बनाया गया है यहाँ पर और वज़ु ख़ाना भी बड़े डिज़ाइन से इसको तैयार किया गया है आपके सामने किस तरीके से पत्थर के इसके डिज़ाइन बनाए गए हैं और उसके नीचे आप छाओं में बैठ के जो है वो वज़ू करते हैं और अतराफ में इसकी लाइटें लगाई गई हैं जो कि इसकी खूबसूरती में इसकी रौनकों में मज़ीद इजाफा दे रहे हैं तो आइए हम चलते हैं अंदर मस्जिद के जी इस मस्जिद के बिल्कुल बैरून हिस्से पर हम खड़े हुए हैं और तामीर शुदा हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं गुम्बद इसके नीचे हॉल में पाँच हज़ार के करीब लोग जो है वो नमाज नमाज की जो है वो अदायगी कर सकते हैं जबकि चबूतरों की बात करूं तो चबूतरों के ऊपर जो है वो कमो बेश तीन हज़ार के करीब जो है वो नमाजी आ, अपनी नमाज़ की अदायगी कर सकते हैं जबकि बैरून हिस्से में ये जो आप इतना बड़ा बैरून हिस्से चारों तरफ घूमें अगर आप नज़र डालें तो ये जो मस्जिद का जो बैरूनी हिस्सा है इसमें कमो बेश बाईस हज़ार के, के करीब नमाज़ी जो है वो अपनी नमाज़ की अदायगी कर सकते हैं कमो बेश इस मस्जिद में 31 से बत्तीस हज़ार के करीब नमाजियों की नमाज़ की अदायगी करने की जो है वो गुंजाइश मौजूद है और इस मस्जिद के बिल्कुल अतराफ में अगर आप देखें इस गुंबद के बिल्कुल साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो फुहारे लगाए गए हैं और फुआरे इसकी मज़ीद रौनकों में जो है वो इजाफा कर रहे हैं सामने इंट्रेंस पर भी है और इसकी जो बैरूनी दीवारें हैं उसके साथ ही फुहारे लगाए गए हैं तो आइए अब हम जाएँगे मस्जिद के अंदर इस गुब्बद के नीचे जाएँगे जी इस गुम्बद के नीचे आने के लिए आपको इस फाउंटेन से गुज़रना पड़ता है और ख़ूबसूरत तरीके से इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है और इसका जो एंट्रेंस है वो मेन यहाँ से लेकिन इसके जो दरवाजे हैं वो बहुत सारे हैं चारों तरफ से आपको दरवाजे जो है इसको देखने को मिलेंगे और इस मस्जिद की अंदर की खासियत ये है कि जो बात आप करोगे वही बात रिपीट हो आपके सामने आएगी अगर स्पीकर ना भी लगाएँ तो सामने पीछे जो नमाजी बैठे हुए हैं उनको आसानी से जो है वो आ, मतलब उनको आवाज़ आ जाएगी आइए चलते हैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा ये देखें जी ये इतना खूबसूरत है जब आप अंदर आते हैं तो आपको अंदर आने के बाद इतना ज़बरदस्त देखने को मिलता है कोई पिलर नहीं है कोई सतून नहीं है मतलब एक होता है ना जी पिलर के ज़रिए सतून के ज़रिए अब देखिए डिज़ाइन कितना ज़बरदस्त तैयार किया है कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नीचे नहीं गिर पा रहा ये भी एक अगर आप अपने घर की दीवार भी बनाते हैं तो पिलर लाजमी लगाते हैं और ये डिज़ाइन देखें मैं यकीन माने बाबर हमीद साहब ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है और डीएचए इसकी निगरानी कर रहा है उन्नीस में ये मस्जिद बनाई गई थी और चार साल के बाद इस मस्जिद को मुकम्मल किया गया उन्नीस यानी कि 1969 में इस मस्जिद को मुकम्मल करने के बाद शहरीों के लिए इस मस्जिद में नमाज़ की अदायगी शुरू हो गई और आज तक ये सिलसिला जो है जारी है तो आइए अंदर चलते हैं इस मस्जिद के गुंबद के नीचे आ चुका हूं अब आवाज सुनिएगा रिपीट करके आवाज आती है अल्लाह अकबर देखे जी मतलब ये जो डिजाइन तैयार किया गया बगैर पिलर बगैर बग़ैरतून और इसकी जब आप मस्जिद के अंदर आकर जब आप बात करते थोड़ी सी भी हल्की सी आवाज़ में भी अगर आप बात करेंगे तो पूरी आवाज़ आपकी जो है वो गूंजती रहेगी इस पूरे हॉल में और इस हॉल में पाँच हज़ार के करीब नमाजियों की जो है वो गुंजाइश है और यानी कि वो नमाज की अदायगी कर सकते हैं इसके अलावा जिस पत्थर की मैं बात कर रहा था मार्बल की वो ये था छोटे छोटे मार्बल के इसमें पीसीस लगाए गए हैं जो कि बड़े खूबसूरत लग रहे हैं मतलब दीवार को इन्होंने सजाने के लिए इन्होंने छोटे छोटे मार्बल के पीसीस लगाए जो कि सात लाख के करीब हैं और ये पूरी दीवार चारों तरफ ये पूरी चारों तरफ जो है ये मार्बल के छोटे छोटे इसके पीसीस लगाए गए हैं और इसी दीवारों के ऊपर ये इतना बड़ा गुंबद जो है वो आ, मतलब इसको रखा गया है इसी दीवारों पर ही टिका हुआ है इन्हीं दीवारों के ज़रिए इसको सपोर्ट मिली हुई है और ऊपरी हिस्सा जो है आप देखें आपको ऊपर छोटे छोटे मस्जिद ये जो शीशे लगे हुए हैं गुंबद में ये आपको नज़र आएंगे जो कि इस गुंबद की खूबसूरती में बेतहाशा इजाफ़ा कर रहे हैं और मस्जिद के अंदर की यानी कि नमाज की अदायगी करना मैं ये कहता हूँ कि इतना सुकून मिलता है यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ने में और बेशुमार लोग दूर दूर से इस मस्जिद में नमाज की अदायगी करने के लिए आते हैं तो आइए मजीद आगे चलते हैं ये जो जगह जगह आप फ़ैन देख रहे हैं ये इसलिए यहाँ पर रखे गए हैं क्योंकि ऊपर फ़ैन की जो है वो लगाने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा तैयार किया गया है वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि एयर कंडीशन की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर ऊपर से इसको गुंबद को धूप ज़्यादा पड़ती है तो नीचे जो है इसकी गरमाइश नहीं आती इसके पत्थर ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं कि आपको नीचे जो है वो गर्मी का एहसास नहीं होगा दूसरी ये चीज़ है कि हम हम अपने पाकिस्तान से हट कर दूसरे ममालिक की, तुर्की की या फिर इंडिया की हर ममालिक हम आसार कदीमा की बात करते हैं हमारे पास हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में हमारे मुस्लिम लोग ऐसे ऐसे शाहकार उन्होंने बनाए हुए हैं कि जिसकी मिसाल अपनी आप है शुक्र अलहमदिल्ला ऐसी जो जगहें हमारे पास जो मौजूद हैं जिनकी निगरानी जो है वो अच्छे इदारे कर रहे हैं जो कि इनकी तज़ीनों आरइश का काम भी करते रहते हैं और इनको खूबसूरत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहते हैं फ़ारान मस्जिद भी उठा के देख लें वही ओल्ड कोरंगी रोड पर एफ के साथ ही वो भी बड़ी पुरानी मस्जिद है मतलब उसका जो डिज़ाइन है वो भी बड़ा पुराना है मतलब हमारे पास सब कुछ है दूर दूर से लोग आते हैं सयाहत लोग आते हैं मतलब सै सय, जो सयाह हैं वो यहाँ पर आते हैं सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए इन मस्जिदों को देखने के लिए आते हैं मीनारों को देखने के लिए आते हैं जगह जगह से दूर दूर से लोग आते हैं तो अब आई होप कि ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी मेरी आवाज़ें बड़ी गूंज गूंज के मुझे मिल रही हैं तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त तब तक के लिए हाफिज़